सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। एक वकील के अनुरोध पर सीजीआई ने कहा कि वो विशेष बेंच के गठन पर विचार करेंगे। आपको बता दें, इन याचिकाओं के मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इसके पहले दिसंबर 2022 में नई बेंच बनाने की बार बार अपील करने पर सीजीआई भड़क गए। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान ना करें। गौरतलब है कि 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। आज बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस पर बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बेंच गठित करने को भी कहा है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बेंच गठित करने को कहा है कि बेंच गठित होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।